नमस्कार प्रशिक्षुओं, सबको शुभ संध्या का नमस्कार। आप लोग एक बार शेयर कर दें, ये आपका डेली सेशन चलता है आपके डाउट क्लास का, वो भी वैसे डाउट जो आप कमेंट में किए रहते हो उसका हम यहाँ पे उत्तर देते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का आज भी आया है, तो उसमें से सारे का तो नहीं लेकिन मैक्सिमम का हमने लिया है। तो भैया कम से कम हम 100 लेते हैं डेली, 100 डाउट यानी कि 100 कमेंट आपका डेली लेते हैं, और यह क्लास आपके कमेंट के जवाब का ही होता है। तो आप भी अगले दिन मतलब कि आज ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा और तब उसका आंसर आपको कल मिलेगा। दोस्तों आप लोग ऐसे कमेंट न किया करें, ठीक है ना, कि हम आपके पढ़ ना पाएं। यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली उतनी बड़ी नहीं है, बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी, मिलियन में ट्रिलियन में खेलेंगे, बस आप लोग की दुआ है। नहीं तो दोस्तों भाई अगर ज़्यादा कमेंट आए तो ऑफ कर देना यार, ठीक है। देखिए यहाँ पे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमेंट का इंतजार करें। अगर आप नए प्रशिक्षु हैं तो आप तुरंत का तुरंत आप बेल आइकन पर क्लिक करें, आपको इसका जवाब तुरंत अभी हम देंगे। देखिए बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ऐसा जवाब है कि वह भी आपका ही डाउट है, वह भी तो हमने बहुत सारे कॉमन आपके जवाब थे, मतलब कि आपके क्वेश्चन थे, तो हमने उसको लिया है जो कॉमन बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षु ने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। सबसे पहले हम आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा फोर्थ सेम का, कब होगा किसका, बैक वालों का, जो आपके बैक प्रशिक्षु पास हुए हैं 2019 वाले पास हुए, कब होगा। एक दूसरा मुद्दा है प्रमोट का, यह होगा कि नहीं होगा। अभी तो PNP बोल रहे नहीं होगा, लेकिन क्यों होगा हम अपने अनुसार बताएंगे क्यों होगा। आप PNP भी करेगी, घबराना मत, इससे मत घबराना, होगा कैसे होगा इसके लिए हमने एक रिकॉर्डिंग भी डाला था आज सुबह, बिल्कुल सुबह वही वीडियो आई थी, बिल्कुल 6:30 बजे सुबह आप जरूर सुन लीजिएगा उसे। और क्यों होगा, जब पता है जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में थे, मतलब कि हम लोग का थर्ड सेमेस्टर पेपर होने वाला था, बाद में कोरोना वगैरह लग गया तो लेट हो गया, लेकिन PNP उस रिकॉर्डिंग में बोली है साफ साफ कि प्रमोट नहीं होंगे, 100% बोल रही थी प्रमोट नहीं होंगे, लेकिन प्रमोट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बस इतना सांत्वना देना अपने आप को, किसी से किसी की बात चर्चा व्यवहार कुछ न करना, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखो, क्योंकि कितने प्रशिक्षु इसमें है ना ऐठन बनी हुई है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया, अभी ऐठन जाएगा भी नहीं उनका। कुछ प्रशिक्षु ऐसे होते हैं और हैं भी, क्योंकि सारे लोगों का जो मानसिकता होती एक जैसे नहीं होती ना, आपके कारण यहाँ पे हम खड़े होते हैं, सारे क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद यह क्लास जरूर लेते हैं क्योंकि आपके डाउट का क्लास होता है, तो हमें देना होता आपके सारे कमेंट जो आप दिन भर में किए रहते हो उसका जवाब, बहुत सारे प्रशिक्षु दिए होते हैं तो उसका हम जवाब देते हैं। और डेली सेशन होता है 7:30-8:30 बजने तक, तो जब तक हो लेकिन होता जरूर है, तो आपको डेली आना है और अपने कमेंट को ऑफलाइन करना है, उसका जवाब कल मिलेगा, क्योंकि हमको विचार करने की जो आवश्यकता तो होती है भाई। अब ऐसा नहीं कि हम आपको गलत उत्तर दे देंगे, तुरंत आप कमेंट किए कुछ तो हम उसका गलत उत्तर दें, नहीं, हमें भी बहुत सारी चीज़ें थनालनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, कॉल करना पड़ता है PNP के पास, मतलब उधर, फिर उसके बाद सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं कन्फर्म होने के बाद, ठीक है ना। अगर जो बच्चा UPTET का तैयारी करना चाहता है बेहतरीन तरीके से, मात्र 1 महीने बचे हैं, जो लोग फॉर्म भर दिए बहुत अच्छी बात है, जो बैक प्रशिक्षु फॉर्म नहीं भरे थे वो भर दिए। और यह भी बातें करने वाले हैं, क्या आप जब आप रिजल्ट के पहले अगर फॉर्म भर दिए हो तो क्या मान्यता है कि नहीं है रिजल्ट के पहले, बहुत सारे प्रश्नों का यह जवाब सवाल था, रिजल्ट के पहले UPTET के फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म भरने वाले का मान्य होगा। देखिएगा ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे, एक जरूर आ रहा होगा बच्चों का कि सर अगर हम स्क्रूटनी का फॉर्म डालें तो। देखिए स्क्रूटनी का डालने से क्या घाटा है हम आपको बताएंगे, और कॉपी निकलवाने से क्या घाटा है ये भी बताएंगे, और क्या फ़ायदा है ये भी बताएंगे। बहुत सारे प्रशिक्षु 14-14 नंबर का करके आए हैं, 13-13 नंबर का करके आए हैं, उनका बैक लगा है। बहुत सारे प्रशिक्षु का 3-3 नंबर से बैक लगा है, तो स्क्रूटनी डालेंगे कि नहीं डालेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का 1-1 नंबर से बैक लगा है, वह डालेंगे कि नहीं डालेंगे, हम बताने वाले हैं सब कुछ, सुनिएगा। इस पे आपको हर एक डाउट मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों का ये भी डाउट होगा बैक प्रश्नों का कि भैया बताओ सर जी अगर स्क्रूटनी हमारा डाल दें, स्क्रूटनी डालने के बाद अगर 1 नंबर से रुका है और हम पास हो जाएँ स्क्रूटनी के बाद पास हो जाने पर हम थर्ड सेम प्रमोट हो जाएंगे, बताना यह चीज़, यह भी इस पर भी चर्चा होगी।
और बहुत प्रश्नों का यह भी डाउट था, यह कॉमन है, आप सभी का यह प्रश्न होगा, लास्ट में बताएंगे कमेंट आपके लेने के बाद, ठीक है ना। इसके बाद छठे नंबर पे आपका यह डाउट है कि सर यह बताइए कि हम लोग का जो एक नंबर से दो नंबर से बैक लगा है वह प्रशिक्षु क्या करें, एक नंबर और दो नंबर से बैक प्रशिक्षु क्या करें, बैक नंबर से बैक वाले प्रशिक्षु क्या करें, प्रशिक्षु किस सेम की तैयारी करें। और यह भी आपका डाउट है बहुत सारे प्रशिक्षुओं का जो पास हो गए हैं, पास प्रशिक्षु, पास 2019 बैच की एक बात हो रही है, पास प्रशिक्षु जो है वह किस सेम की तैयारी करेंगे, थर्ड की और फोर्थ की। अगर थर्ड की करेंगे तो क्यों करेंगे, फोर्थ की करेंगे तो क्यों करेंगे। और बहुत सारे प्रशिक्षु 2018-17 के हैं, उनका भी कहना था कि सर बताइए यूपी टेट मान्य होगा कि नहीं अगर बैक लग गया है तो, अगर बैक आपका सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में लगा है तो मान्य नहीं होगा। 2017-2018 बैच के प्रशिक्षु हैं, यह भी लिख लेती है एक डाउट, यहाँ पे लिख लीजिए 2017 बैच और 18 बैच के प्रशिक्षुओं का बैक आने पर यूपी टेट मान्य है कि नहीं। बस इतने डाउट तो सारे विद्यार्थियों के दिमाग में होंगे, हम सब पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले कमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, आप डेली ऑफलाइन कमेंट किया करें, वीडियो चलती हुई पे नहीं, क्योंकि हमारे जो जनाब हैं वो आपके आंसर देते रहते हैं और आप लोग कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, बेशक कमेंट करो, आपको जवाब मिल जाएगा आपके कमेंट में ही। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कमेंट कर दोगे तो हम उसका डायरेक्ट जवाब देंगे यहाँ पे खड़े होकर, ठीक है। डेली ये सेशन चलता है आपका, आपको बताया गया दिन भर में जितने क्लास आते हैं आप देखो, अगर आप बच्चा यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में आ जाना, मैथ और हिंदी पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म करा दिया गया है। डेली आपका इन्वायरमेंट का क्लास 3 बजे चलता है, 3 बजे दोपहर में, इसके बाद रात में, इसके बाद जस्ट इस क्लास के बाद ही आपका CDP का टेस्ट आने वाला है, 5वें नंबर का टेस्ट होगा। और सारे जो PDF होते हैं हम करंट हेवन के टेलीग्राम पे देते हैं, सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे जाके करंट हेवन, तब मिल जाएगा, या फिर नीचे हम आपको लिंक दे देंगे, लिंक जो है पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है ना। अब चलेंगे हम कमेंट लेंगे, लेकिन याद रखना साहस सबसे बड़ा संघर्ष के रूप में देखना है हमें, साहस ही संघर्ष है और धैर्य बना के रखना है जीवन में, है ना। धैर्य नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है, अगर संघर्ष और तकलीफ न हो जीवन में तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों याद रखना, दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी की बुराई न सोचो। साथियों हाँ, एक बच्चे का कमेंट है सर, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट अपने लाइफ से रिलेटेड बातें भी पूछी हैं, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना अनुभव है हम उसको आपको देंगे, अभी तक हमारे पास उतना बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन तुच्छ जो छोटा सा हमारे पास अनुभव है ना, उसके अनुसार हम आपका सारा डाउट इतना कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, क्लियर कर देंगे। और जो टीका टिप्पणी करने वाले होते हैं, चंद रुपए लेकर आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं ना, याद रखना उनकी लाइफ में वैसे जर्जर होंगे। और यहाँ पर हमारा भौंकना नहीं, हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ऑफलाइन लेने के बाद यहाँ पे आते हैं, बिना पैसे का भौंकते हैं, कोई हमें वह थोड़े, मतलब कि वह थोड़े है कि हमें चलेंगे तो भौंकेंगे वहाँ पे, बच्चों का डाउट लगे, ऐसी नहीं, हमें प्रेम है भाई अपने फैमिली से। देखो पता है, जब से हमारी फैमिली थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी है ना, कुछ लोगों को जलन होने लगा है, पहली बात यह है। और हमारी फैमिली आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली जब बड़ी होती है तो क्यों लोगों को जलन होगा भाई, आप और शेयर करो। लोगों को जलाने का मतलब यह है ना कि आप जितना ज़्यादा शेयर करते हो शेयर करो। देखो दोस्तों, जो प्रमोट की बात होती है मुद्दा, और जो आपके फोर्थ सेमेस्टर की बात है, जितनी वीडियो हैं उसको आप शेयर करो। अगर आप देखना चाहते हो कि कापियाँ किस प्रकार से चेक होती हैं DLED में, कैसे हॉल में बैठ के शिक्षक कैसे कापियाँ चेक करते हैं, इसकी भी वीडियो हमने डाल रखी है खींच कर क्लिक करके अपने से, तो आप आकर देख लेना। आपकी एक प्रशिक्षु की कॉपी हमने निकलवाई थी दोस्तों, हम बताएंगे आप कॉपियाँ किस कंडीशन में निकलवाएंगे, अभी लेने वाले हैं आपके कमेंट, है ना। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो एग्जाम अपडेट के नाम से एक प्लेलिस्ट में फाइल बनी होगी, उस फाइल पर क्लिक करिएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। जो प्रशिक्षु यह चाहते हैं कि उनका पूरे तरीके से यूपी टेट का मतलब कि उस सिलेबस मिल जाए, तो उसमें सिलेबस भी मिल जाएगा उनको। और अगर जो प्रशिक्षु यह चाहते हैं सर सुपर टेट में गुणांक कैसे बनाते हैं, वो भी मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिलेगा भाई, हर एक डाउट जो आपके दिमाग में यहाँ पे चल रहा है ना, सब मिल जाएगा। बस आप शेयर कर दिया करो मेरे साथी, हमारा सपना है, हमारा केवल नहीं, हम सभी लोगों का यह सपना है कि करंट हेवन को बनाएंगे 1 मिलियन फटाफट, इस साल का अंत होते होते
हमको 1 मिलियन तक पहुंचा सकते हो, देखते थे जजमे कितने हैं आपके। शेयर करो धाकड़ तरीके से, इन्वायरमेंट के क्लास अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल मज़ेदार आ रहे हैं भाई। आज तो जनजातियों के बारे में पढ़ाया गया, देख लेना। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर 4 पेपर करा दिए गए, अभी हम 8 और कराएंगे, 8 4 12, यानी कि 2008 से लेकर 2011 से लेकर साथी 2011 से लेकर 2019 तक, मतलब कि 4 करा दिए, 5 और बचा है हमारे पास, सब कराएंगे, फोड़ के आओगे। कराए थे अगर देख लेना, नहीं कर रहे हो ना तैयारी तो मत करना तैयारी, नहीं तो पास हो जाए तो पापा को क्या मुँह दिखाओगे, हम पापा पास हो गए, या बोलोगे पप्पू पास हो गया, या बोलना क्या पापा पप्पू पास हो गया। पास ही होना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आग लगाना, दहकाना। तो उसमें नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ना स्टार्ट किया हो अपना भी, जब भी चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस लाता है उसके, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखड़ता है उसको, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। मेहनत करने वाले की कभी या फिर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यह चीज़ आप सुने होंगे। यह दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कुछ लाइन थी जो हमने बोला है। बस भाई पंछी हो, पंछी को उड़ना चाहिए, और जो प्रशिक्षु गलत कमेंट करते हैं ना उनके मत ध्यान दिया करो भाई, वो सब पॉजिटिव नहीं होते, उनकी सोच ही बेकार होता है, उनके सोच में ना गोबर भरा होता है भाई, मत ध्यान दिया करो मेरे यारों। देखो आज सुबह से बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे थे सर हमें बताइए कि सर आपका मतलब कि कितने प्रशिक्षु पास हुए कितने परसेंट। हाँ यह बहुत मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों मात्र 28% प्रशिक्षु पास हुए हैं, 82,000 कापियाँ थी, इतने कापियाँ सोच लो, अगर 28,000 प्रशिक्षु पास, मतलब लालटेन लेकर चेक किए थे क्या कि मोमबत्ती में चेक किए थे साला, मतलब गुस्सा खुन्नस बढ़ जाता है, खुन्नस गुस्सा खून उबलने लगता है पूरा, फोड़ दे मन करता है, समझ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़े हैं ना, अगर सामने मिल जाते तो सीधे मुंह पर देते उनके। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है उनको कि मतलब कि उनके घर में बच्चे नहीं हैं, हमको लगता है ये उनके बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, या फिर विदेश से भेजते होंगे पढ़ने के लिए, समझ रहे हो ना, दो ही कारण हो सकता है। आप लोग तो एक तरह से चींटी, और हम लोग क्या है, हम लोग तो एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं, कुछ मन किया तो पास किया, मन किया तो फेल किया, अन्यथा ले लो भैया यह देना, यह चलता है यहाँ पर, यह चलता है, हमने खुद देखा सामने पैसा देते हुए, वीडियो भी बनाया था, देख लेना आके, वीडियो बनाया है डाला है, हम डरते नहीं किसी से, जो चीज़ें हैं लीगल हैं, जो चीज़ें बोलते हैं वो बोलते हैं साफ, अब यहाँ डरने की बात ही नहीं भाई, हमारा लोकतंत्र है, आवाज़ उठाना हमें चाहिए, तभी जाके अन्याय की समाप्ति होगी, और अकेले ना सही, इतनी फैमिली तो इतनी बड़ी है, ये सब किस काम आएंगे, कब काम आएंगे भाई, लेकर चलेंगे सबको जब भी जहाँ भी जाएंगे, समझ रहे हो ना। आप लोग बस साथ देना, साथ निभाना, हर काम होगा, हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सिर्फ साथ रहना, ठीक है ना। और आज सुबह से थोड़ी सी सर में दर्द है, लेकिन आपको फील नहीं होने देंगे हम कि हम परेशान हैं अंदर से, बहुत सारे कारण हैं परेशान होने के। पढ़ाई तो छोड़ दो, आपको पढ़ाने के बाद हम टाइम निकालते हैं 4-5 घंटे पढ़ने के लिए अपने खुद, और बाकी कुछ थोड़ा सा मैटर और हो जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है भाई। आज एक लोग का फ़ोन वगैरह आ गया और परेशान हो गए थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारी मैटर है, हम समझ गए क्या उसमें करना है क्या नहीं करना है। चलिए हम कमेंट लेना स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अवनीश डिंपल तिवारी जी का, सर क्या जिनका सेकंड सेमेस्टर में फिर से बैक लगा है, लग गया एक सब्जेक्ट, देखिए आप लोग का भी मतलब कि सोल्यूशन होगा, सबके दिमाग में होगा, जो प्रश्न जुड़े हैं वो शेयर कर देंगे, अन्यथा अपने कमेंट की बारी का इंतजार करेंगे, सबके कमेंट लेंगे यहाँ पर हम। सर क्या जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक फिर से बैक लग गया है एक सब्जेक्ट में, वो भी प्रमोट होंगे, प्लीज़ सर हेल्प। नहीं भैया देखिए नहीं हो सकते भाई, क्योंकि पहले तो यही मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जो पास हुए हैं उनको प्रमोट करें, ठीक है ना, अभी यही बहसबाजी हो रही है, तो जो बैक लगे हैं उनके पे तो सोच ही नहीं सकता वो, अभी उनकी पेपर कब होगी, वो फोर्थ सेमेस्टर का देंगे या फिर बैक पेपर उनका कब होगा, इस ये अभी संशय में है, अभी वो अब धूमिल है, धूमिल जिसे बोलते हैं, समझ रहे हो ना। और इसमें घबराने की बात नहीं है, अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, ताकतवर बनाइए, जैसे कि जब हम लड़ाई पर जाते हैं या फिर हम परिश्रम करते हैं तो कहीं आते जाते नहीं हैं, लोग कहते हैं अरे यार ये तो बात ही नहीं करता ससुरा किसी से, अपने काम से काम मत लगता, लेकिन जिस दिन भंडा फूटता है ना, मतलब जिस दिन सक्सेस मिल जाती है ना, उस दिन उसको लगता है ये ज्वाला था, ज्वाला आग का ज्वाला था, इसके अंदर ज्वाला भर रही थी, फूट गया, लो अब देखो मेरी औकात, इस तरह से फूटना चाहिए। याद रखना साथी, कोई प्रशिक्षु हार नहीं मानेगा, डटा रहेगा और कोई गलत काम नहीं करेगा, इतना बता देते हैं, इतना समझ लेना, हमारी फैमिली है, सारी चीज़ आप शेयर करो, या पर्सनल हो चाहे जिस भी चीज़ हो। अभी एक लड़की का कॉल आया था, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, लेकिन उनके हमने कुछ बंदोबस्त भी किए हैं उनके लिए, और
हम दिए हैं कुछ चीज़ें उनको कि जिससे कि वह अपना कुछ काम कर सकें। और एक प्रशिक्षु भी था, थोड़ा सा विकलांग था, उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स थे तो हमने उन्हें भी कुछ डोनेट किया। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, हम मदद करेंगे भाई, खुल के मदद करेंगे, जितना हमारे पास जिगर होगा ना खुल कर दे देंगे आप लोगों को। बस डटे रहना, साथ रहना, शेयर करते रहना वीडियो को। केशव कुमार जी एज भैया सही है भैया, आगे देखो। अंकित विराग भैया मेरे यूपी टेट में पिन कोड गलत हो गया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा? नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने सारे डाटा सही दिया है। आइंदा गलती मत करना, बस इतना समझ लो, गलती से हमें सीखना है, आइंदा गलती मत करना भैया, ये तो बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा। सुपर टेट में ऐसी गलती मत कर देना, अन्यथा आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है ना। वेरिफिकेशन जाओगे वहाँ पे करने डॉक्यूमेंट्स लेके, भगा देगा। फ्रेश प्रशिक्षु को लेगा ना वो, क्यों खराब प्रशिक्षु को लेगा बताओ, जब उसको 10 प्रशिक्षु चाहिए, 10 में से 11 प्रशिक्षु बिल्कुल सही हैं और 12वां प्रशिक्षु आप हो जो गलत करके फॉर्म भरे हो, तो आपको तो छाट ही देगा पहले ना। एक तो आपके पहले भी छट रहा है और आप 12वें नंबर के, आपको तो छाट ही देगा, लेगा 10वीं क्यों ना वो। तो आप इस तरह गलती ना करेंगे, लेकिन अभी पहली गलती है और यह आपका एक चीज़ गलती हुआ है ना, आप उस पर यह साबित कर सकते हो अपने नाम से, अपने अपने आईडी नंबर से कि यह हमारा ही, यह हम ही कैंडिडेट है, यह साबित कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आई पेपर दीजिए। अगला अर्चना यादव जी, मेरा भी बैक है मैथ में, मैथ में क्यों बैक आ गया भाई, हमारे सामने तो बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट भी भेजा, इस तरह हम बहुत अच्छा नंबर लाए, 24 नंबर लाया एक बंदा, अरे दिल खुश कर दिया भाई, हम सोचे कि मजाक कर रहा है साला ससुरा सॉरी ससुरा, लेकिन हमारा दिल, पता है हम अपने भाई को भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग मेरे भाई ही हो, भाई हो बहन हो, बस इतना समझ लो। तो आप लोग से घर का रिलेशन है, सब कुछ जो होता है खोल के बोलते हैं। जब भेजा ना तो हम कहें अरे यार तुम पास होते तो क्या बात है, मिठाई खिला देते तुमको, अभी काफ़ी मिठाई खिला जाते भाई। कह रहा सर आपकी क्लास सारे देखे थे, हम कहे मजाक मत करो भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो कहा नहीं सर जी, हम आपकी क्लास सारे देख के गए थे, सेकंड सेमेस्टर का एक ही बनाए थे, एक ही वीडियो थी जिसमें कि हमने 3 घंटे के लेक्चर लिए थे और पूरा मैथ ही खत्म कर दिया था, है ना। 4 सेमेस्टर के भी सारे लेक्चर पढ़े हैं। पूजा मलिक जी, सर अब क्या करें, मैथ में फिर से 3 सेमेस्टर में बैक लग गया है, अब पता है 3rd और 4th सेम के एग्ज़ाम देने हैं, देंगे बट सर अब ए बैक कब तक होगा। दोस्तों देखिए, आपका हो सकता है 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा ले और यह बैक वाला जो है ना बाद में कराए, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है जो प्रशिक्षु पास हुए हैं उनके साथ आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाए और जो आपका बैक है वह क्लियर होता रहेगा। जिस प्रकार से 2017 बैच वाले बच्चे जो है भुगत रहे हैं अंजाम ना, आज तक वो बैक दे रहे हैं और उनके बैच वाले प्रशिक्षु सुपर टेट जूनियर टू सुपर टेट दिए हैं, हमने उसमें लाइव वीडियो लिया था जो कि 2017 बैच के भी बहुत सारे प्रशिक्षु थे जो इस बार दिए हैं, और कुछ प्रशिक्षु हैं जो कि टेट ही नहीं पास किए हैं 2017 के, क्योंकि बैक है भाई। अगला देखना नीतू पांडे, हाँ चलो भाई। गुलशन कुमार जी, सर क्लास चल ही नहीं रहा है, फिर क्या कोई करे गाइड द्वारा तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, गाइड द्वारा तैयारी आप किए हैं, देखिए क्लास नहीं चल रहा है, चल रहा है इस पर क्यों बहस करते हो। देखो हमें सेल्फिश बनना है, पहले बुक के लिए, पढ़ाई के लिए सेल्फिश बनना है। दोस्तों आप बुक ले लो, अच्छे अच्छे पढ़ डालो पूरा, आप अगर उसको पढ़ लोगे आपका यूपी टेट भी तैयार होगा। अभी ये लोग गलत कहते हैं कि यूपी टेट की अलग से तैयारी होती है, डीएलएड की अलग से पढ़ाई होती है, नहीं डीएलएड ही तो यूपी टेट है प्राइमरी वाला, प्राइमरी जो प्राथमिक पेपर दोगे ना वो देखना, जो आप डीएलएड पढ़े हो चारों के चारों अगर अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़े हो तो देखना उसी में से तो आएगा सब कुछ, वही हम पढ़ा भी रहे हैं और कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं है। फर्स्ट कमेंट, अच्छा भाई चलो ठीक है। मोना यादव जी कहना है बहुत बड़ा धोखा किया गया है हमारे साथ, पासिंग मार्क्स का तो कर ही गए थे, लेकिन देखिए पासिंग यही तो होता है दिक्कत, आपको लगता है जैसे कि देखो आप कोई भी एग्जाम देकर आते हो, अगर आप अनुमान लगाते हो हम 40 प्रश्न किए हैं, 40 प्रश्न, लेकिन जब मिलाते हो मैच करते हो तो गलत होता है कि नहीं होता है बताओ भाई, गलत होता है ना। तो अगर आप पासिंग मार्क्स करके आते हो तो इतना समझ लो आप अपने आप को चैन से बाहर ही रख समझना, है ना, क्योंकि पासिंग मार्क्स आज के युग में कुछ नहीं है। और रह गया डीएलएड की बात, तो डीएलएड की कापियाँ आप जान रहे हो किस प्रकार से चेक होती है, फिर भी अगर पासिंग मार्क्स करके आते हो तो ये आपकी गलतफहमी होगी, कापियाँ कैसे लिखी जाती हैं, एग्जामिनर को कैसे प्रसन्न किया जाए कापियाँ लिखकर, ये सारे आज जिनका बैक लगा है प्रशिक्षुओं का वो देख लेंगे भाई किस प्रकार से कापियाँ लिखी जाती हैं डीएलएड में, आकर देख लेना, अन्यथा फिर से बैक दोगे और फिर से जो आप 4 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो देने वाले हैं वो जरूर देख लेंगे कि कापियाँ किस प्रकार से लिखी जाती हैं। आ जाना एग्जाम अपडेट का फाइल बना होगा प्लेलिस्ट में, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, कापियाँ कैसे चेक होती हैं, एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करें, एग्जामिनर को कैसे प्रसन्न करें, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन क्या होता है, जनरल नंबर कॉमन नंबर में क्या डिफरेंस है, सब कुछ देख लेंगे आप आके, हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में आइएगा और उसमें एग्जाम अपडेट करके एक फाइल बना होगा, उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गायत्री मौर्य जी, सर मेरे 6 नंबर हैं, स्कूटनी में भी स्कूटनी बढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट में बैक है टेट मान्य है? नहीं भाई,
अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो टेट मान्य नहीं है, ठीक है ना। आप दे सकते हो पेपर, बैठने को बैठ सकते हो, लेकिन मान्य नहीं है क्योंकि आप फेल लिखा है। अगर पास लिखा होता तो मान्य हो जाता, क्योंकि हमको पता है बच्चे को आज सेमेस्टर बैक तो नहीं होता, लेकिन अगर एक सेमेस्टर में बैक हो जाता है तो रियल एड में फेल लिख के आता है वहाँ पर, तो इस वजह से आपको मान्यता नहीं दी जाती है। बस यही कारण होता है, NCT के गाइडलाइन के अनुसार आपका वहाँ पे पास लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। जो बच्चे अभी प्रमोट होने वाले हैं उनका मान्य हो जाएगा, ठीक है ना। खुद ही अभी देखिएगा कुछ दिन में आएगा, क्योंकि कल से आपका कापियाँ चेक होने वाली हैं, फ्रेश प्रशिक्षुओं का स्टार्ट हो जाएंगे, जो 2014 बैच के 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं जो 4 सेमेस्टर दिए हैं, उनका कापियाँ स्टार्ट हो जाएंगी चेक होना कल से, 26 तारीख है ना, कल से लेकर 15 नवंबर तक चेक होंगी। उसके बाद ही कोई गाइडलाइन आएगा कि आपको प्रमोट किया गया है कि नहीं। फिर उसके बाद हो सकता है आपका आए कि भैया आपका 4 सेमेस्टर का पेपर, देखिए 4 सेमेस्टर का पेपर बहुत जल्द हो जाए, जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है। आप सारे वीडियो के नीचे कमेंट करो, हल्ला बोल का नारा लगाओ, शेयर करो जो हम बनाए हैं वीडियो, 4 सेमेस्टर का पेपर होना चाहिए, इतना शेयर करो। जो अभी रिकॉर्डिंग आया था सुबह ना, उसको दोस्तों आप वायरल करा दोगे ना, अगर वायरल हो गया ना तो सच बता रहे हैं माता रानी की सौगंध, आपका पेपर हो जाएगा। बस वायरल करा दो, संगठन बना दो ना, धुआं मचा देंगे यार, चलेंगे लेके सबको, बस 1 लाख 2 लाख व्यूज पहुंचा दो उस पे, सबका बेड़ा पार करवा देंगे, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि हमें संगठन चाहिए, हम 10,000 5,000 2,000 प्रशिक्षकों से क्या करेंगे भाई, बुलाएंगे 2,000 को बुलाएंगे वहाँ पर तो आएंगे सिर्फ 2 लोग, अगर 10 लाख हो जाएंगे हमारे पास तो बुलाएंगे हम सबको तो आएंगे कम से कम 1-2 हज़ार बच्चे। 1-2 हज़ार का मतलब बहुत होता है यार, समझ रहे हो ना, वही 1-2 हज़ार जो होते हैं जिनके अंदर खून में गर्मी होती है। बस वो ऐसे चाहिए हमें, हमें क्रांतिकारी चाहिए जो वहाँ पर आवाज़ उठाए। क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं खून खराबा करने लगे, जो चीज़ें कही जाएँ अगर सत्य है तो सत्य पे बात बोलें, अब डंडा गोजी नहीं चलना वहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ आवाज़ उठानी है हमको। तो आप उसे वायरल कराओ, जो सुबह आई थी, सुबह 6:30 बजे वीडियो आ जाई थी, उसको देख लेना, जो प्रशिक्षु नहीं देखे हैं उसे वायरल कराना है। साथियों गायत्री जी, गायत्री बहन, आपका नहीं बढ़ेगा नंबर, देखो हम यहाँ पे लिखे हैं ना स्कूटनी वाला, स्कूटनी का फॉर्म वही बच्चे भरेंगे जिनका 1 नंबर से, सिर्फ 1 नंबर से रुका है, बहुत मुश्किल हो जाता है 1 नंबर भी बढ़ना, ठीक है ना। लेकिन 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले भी नहीं डालना, इतना याद रखना। अगर फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारा 16 नंबर था, हमको बैक लगाया है, तब डाल देना स्कूटनी का फॉर्म, तब कापी मत निकलवाना, कापी निकलवाने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हम आपको बताएंगे अभी। देव मौर्या जी, जो पैसे दिए हैं वो पास हुए, ऐसी बात है और नहीं भी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखे हैं दोनों तरीके से, पैसे देने वाले सिर्फ पास हुए हैं नहीं, पैसे ना देने वाले ना टॉप किए हैं, टॉप बच्चा, याद रखना यही असल जिंदगी है। अगर पैसे दोगे तो सिर्फ पास होगे, सिर्फ आपका काम होगा, लेकिन अगर पैसे नहीं दोगे ना, अपने दम पे करोगे ना, तो सलामी भी ठोकेंगे लोग, सलामी ऐसे, समझ रहे हो ना, यह होता है जज्बा। तो यह मस्त दिमाग में रखा करो, निगेटिव तो कभी दिमाग में लाया ही ना करो, भले फेल हो जाओ, हमको फेल मंजूर है, लेकिन पैसा नहीं देंगे, पैसा एक बहुत मेहनत से आता है, मेहनत कर लो ना, मेहनत करके निकाल लो, अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलता है ना। आपको भी उसी कक्षा के बच्चे हो जो 23 नंबर लाता है मैथ में 25 में, आप वो भी उसी कक्षा का बच्चा है, बताओ हम कैसे कह दें कि पेपर कठिन आया था। मान सकते हैं एक बार पेपर कठिन आया था, हमने भी देखा था, हमने सॉल्व भी कराया है, पेपर कठिन था, 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो कि आपके लग रहे थे 4 सेमेस्टर के हैं, और थे भी, PNP स्वीकार भी किया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी बोला था PNP, जब बच्चे अच्छे नंबर किए हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, उनको पास किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्या कारण था, चाहे लालटेन लेके कापी लग रहा है चेक कर रहा हो, या फिर रात के अंधेरे में चेक कर रहा हो, या फिर कोई अलग काम, कोई गलत काम करते हुए चेक कर रहा होगा कापी, समझ रहे हो ना। तो PNP के पास भोज वर्तमान से फुर्सत ही नहीं होता कि आपकी कापियाँ बैठ कर स्वतंत्र रूप से चेक किया जाए, ठीक है ना, नहीं तो सारे पैसे जो पास हो जाते यार। 1 नंबर नहीं बढ़ा सकती थी वो, गजब की कमाल की मतलब की है संस्था, बेकार है एकदम, बिल्कुल मतलब मन उब गया यार, DLED वाले बच्चे ना एकदम परेशान, मतलब परेशान हो गए यार, दिक्कत मतलब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं मुझे, रात में कभी कभी सपने आते हैं, समझ सकते हो आप, बच्चे रोते हैं यार, है ना। फ़ोन किया था अभी एक प्रशिक्षु और शाम के टाइम में रो रहा था, हमने कहा भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गई, कहा सर अब जीने का इच्छा नहीं है, मन लग रहा है, बहुत सारे प्रशिक्षु किए अभी कमेंट कि लग रहा है सारी ज़िंदगी खत्म हो गई, ज़िंदगी अभी तो शुरू हुई बच्चा, क्योंकि आदमी को जब तक ठोकर नहीं लगेगा ना तब तक सीखेगा नहीं, जब ठोकर लगता है, जब ऐसा लगने लगे कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तभी समझ लेना ज़िंदगी की असल चीज़ आप उसी मोड़ पर सीखते हो। अब आपको पीछे हट गए ना, बैक फुट हो गए ना, तो ख़त्म कहानी, अगर उसी से लड़कर आगे निकल गए ना तो कहानी बन गई आपकी, याद रखना कहानी उसी को सुनाना अपना, जो जब सक्सेस हो जाना तभी आपकी कहानी मान्यता मिलती है, मतलब कि हमारे कहने का मतलब है जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तभी ये सारी बातें अगर दूसरों को बताओगे, अरे हम तो बैक लगा था हमारा, 1 बार लगा था 1 नंबर से, फिर 1 नंबर से, लेकिन हम हारे नहीं, आज हम शिक्षक हैं सुपर टेट के, भले 1 साल बाद होना, 1 साल लेट ही होना, दुख तो होता है जब आपके साथी आगे निकल जाते हैं आप पीछे रह जाते हो, दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है दुख भाई, हम तो समझ सकते हैं इसको, फील किए हैं इस चीज़ को, है ना, रोता भी लगता हुआ पर्सन देखे भाई, अपने समय में बहुत छोटी उम्र है हमारी, लेकिन हमने बहुत कुछ फेस किए हैं, मेहनत की है भाई, हमने बताया ना साइकिल से हम
तीस तीस किलोमीटर, तीस नहीं पच्चीस पच्चीस किलोमीटर आते जाते थे, मतलब आना जाना पच्चीस किलोमीटर होता था ट्यूशन पढ़ाने जब हम बीटेक करते थे। भैया परेशानियाँ थी, ऐसी बात नहीं, परेशानियाँ आदमी को अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। घर पे सब कुछ स्वतंत्र, मतलब घर पे ही सब कुछ नहीं टाल दिया जाता है, घर वाले हैं तो घर वाले हैं, घर वाले कब तक साथ देंगे। कुछ तो अपने दम पे अपने हौसलों के बल पे करो, वैसा काम करो जिसमें आपकी निंदा की जाए, और जिस दिन निंदा आपका आप अपना निंदा सुनने लगे दूसरे के मुँह से सुनने लगे, अरे फलनवा ऐसा काम करता है फलनवा ढकनवा, तो तब समझ लेना अपने आप को आप सक्सेस हो रहे हो, आपकी लाइन बिल्कुल सही है, चलते रहो बस उस लाइन पर। उस एक दिन आएगा ना वो लोग खुद बड़ाई करेंगे भाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो बच्चे जो गाली गलौज यहाँ पे करते हैं ना, बता रहे हैं ना, वह इसी लायक है, हाँ वह बहुत सही लाइन पे है। ऐसे ही लाइन पर रहो बेटा, आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगा। सुरेश सर्वेश कुमार जी, प्रमोट होगा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए प्रमोट, प्रमोट होगा 100% प्रमोट होगा, ये लिख लेना। जितने प्रशिक्षक पास हो गए हैं उनका प्रमोशन होगा, भले PNP अभी करे नहीं लेकिन होना निश्चित है। सिर्फ आवाज़ उठाते रहना, आवाज़ दिल की आग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, जिस दिन ठंडी पड़ गई समझ लेना ज़िंदगी ख़त्म। अगला देख लो, श्वेता यादव, सर हमारे पेपर मैच किए थे, सही नंबर था 14 नंबर का, सर बताइए क्या करें, तभी फेल कर दिया हमें, ऐसे में क्या करना चाहिए। है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए आप कॉपी तो ना निकलवाना, अगर आप एक नंबर से बैक लगाए, कितने नंबर एक नंबर से अगर बैक लगाए 14 नंबर का आप सही किए थे, तो आप इसको नहीं डाल देना। जैसे ही पास होते हो आपका लाइफ दिखने लगेगा, हाँ गाड़ी पकड़ ली है, ट्रैक पर आ गई है, ठीक है ना। अगला भाई किसका है, नेहा देवी जी, अगर जिसका कमेंट छूट जाएगा वो लास्ट में जरूर कमेंट करेगा भाई, ऑफलाइन कमेंट करना, इस तरह कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। जितने बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दें फटाफट वाले भाई, लाइक कर रहे हैं कि नहीं सभी लोग, देखना तो थोड़ा लाइक कर रहे हैं, जवाब देते रहना सबका, सबका जवाब देते रहना, ठीक है। सबका जवाब मिलेगा, घबराना मत, सबका जवाब मिलता रहेगा, हम बिल्कुल टैलेंटेड पर्सन को बैठाते हैं यहाँ पर, जो आपके सारे जवाब आंसर का जवाब देता है वही हमको भी बताते हैं आपके बहुत सारे सवाल के जवाब। उनसे कन्फ्यूजन होता है PNP पे कॉल जाता है, शिक्षक के पास हमारे जाता है, तब हम आपको बताते हैं, ऐसे नहीं बताते नहीं भाई। अब यह मत सोचना कि बहुत विद्वान हैं हम, सब कुछ आपको बता दें, नहीं हम विद्वान नहीं हैं, हम आपके डाउट के लिए यहाँ खड़े हैं, आप पूछते हो तो उसको हम सर्च करते हैं बहुत सारे जगह से, फिर आपको बताते हैं, इसी वजह से एक दिन लेट आता है आपका कमेंट। अब आज ऑफलाइन कमेंट करोगे तो कल आपका उत्तर आएगा, इसी वजह से आता है, लेकिन आता है बिल्कुल जटिल आंसर, बिल्कुल स्वच्छ स्वतंत्र रूप से, जिसका कोई काट ना हो, है ना। नेहा देवी जी, सर 2017 सेकंड सेमेस्टर बैक रिजल्ट कब तक आएगा। 2017 सेकंड सेमेस्टर बैक रिजल्ट भैया, सेकंड सेमेस्टर 2017 का सेकंड सेमेस्टर नहीं आया, ऐसे कौन बोल दिया भाई नहीं आया। हमारे पास तो प्रशिक्षु का आया था, हमारे पास प्रशिक्षुओं का एक प्रशिक्षु था 2017 का, जिसका अपनी कम्युनिटी में लगाया है, आप देख सकते हैं आ गया भाई सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट बैक प्रशिक्षु का, 2017, 2018, 2019 और 2015 इन चारों का आया है, देख लेना एक बार। सर जी फोर्थ सेमेस्टर किसका भाई, कौशल कुमार जी का कहना है, सर जी फोर्थ सेमेस्टर की कॉपी कल से चेक होगी तो आप वीडियो जरूर वहां से बनाकर दिखाना आप प्लीज़। देखिए भाई कॉपी कहां कहां से चेक हो रही है हमको थोड़े पता, देखो अलग अलग डाइट पे कॉपी गई है ना भाई, आप खुद सोचो अब कॉपी कहां कहां से हम बताएं आपको चेक होगी। अब अलग अलग डाइट पे आपकी 8 कापियाँ हैं, 8 कापियाँ अलग अलग डाइट पर हो सकती गई हों, हो सकता है आपकी 2 कापी कहीं मैक्सिमम अगर देखा जाता है तो आपकी मैक्सिमम 2 कापियाँ एक जगह आ सकती हैं, लेकिन पूरी चांस होती है आपकी सारी 8-8 कापियाँ जो हैं 8 सभी बच्चों का अलग अलग डाइट पे जाती हैं, तो अलग अलग टीचर के पास जाएगी ना, अब वीडियो बनाना मुश्किल होगा ना, कितना मार डालोगे क्या बताओ, हो सकता है दे दें किसी एक डाइट का, हो सकता है दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं 26 को नहीं, अभी तो कापियाँ चेक होना स्टार्ट होने दो, 15 दिन का समय होगा, बना देंगे वीडियो ला देंगे आपके लिए, घबराना मत। और अभी जो बच्चे देखना चाहते हैं कापियाँ कैसे चेक होती हैं, आ जाना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आना, एग्जाम अपडेट के नाम से एक होगा, बुढ़वा बैठ के चेक कर रहा है कॉपी, बुढ़वा नहीं पूरी हॉल है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे टीचर हैं, देखना कट 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 खचा खच कॉपियाँ काटे चले जा रहे हैं, तो देख लेना आके आनंद आएगा, देखते ही लगेगा अरे पगला जाएगा दिमाग, पहले सनक जाएगा पर ये क्या कर रहा है, हमारी इतनी सुंदर सुंदर कापियाँ काटता चला जा रहा है, गजब गधा है भाई, मास्टर है कि कोई बाउचट है, इस तरह बोलोगे, फिर देख लेना आके, फिर कहना देख लेना, ज़रूर देख लेना, बहुत ही हंसी आएगी। जो प्रशिक्षु पास हो जाएंगे कभी लाइफ में, अगर वह सुपर टेट पास करके अच्छे से बन गए, जैसे राकेश जी हो गए और शिल्पा जी और बहुत सारे प्रशिक्षु हमारे हैं, अनुपमा जी, बहुत सारे प्रशिक्षु, किसका किसका नाम लें, बहुत टैलेंटेड बच्चे सब, सब पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, सारे क्लास देखते हैं, रिविजन करते हैं, मैसेज आता है उनका, बहुत अच्छा लगता है सब बच्चों का, तो आप लोग भी देखिए। लेकिन जिस दिन आप बन जाओगे ना टीचर साथियों, उस दिन आप अपने लाइफ से हंसोगे कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया था, कापियाँ देखी थी, ऐसे ऐसे चेक करता था। आप भी बनोगे PNP कहो जा रहे हो, बन रहे हो शिक्षक ना, आपका भी आएगा नौबत, आप भी आओगे कापी चेक करने, देखना तो आप देखते हैं किस प्रकार से चेक करते हैं, हम भी रहेंगे, हमारी फैमिली भी रहेगी, आप इससे जुड़े रहना मिस, है ना, मज़ा आएगा, घबरा क्यों रहे हो, 1-2 साल बाद 3 साल बाद बनोगे जो टीचर, देख लेना सभी लोग बनेंगे, हमारी दुआ है आपके साथ ही रहेंगे, और
हम बना कर ही दम लेंगे आप लोगों को। यस, क्यों पढ़ा रहे हैं सब बताओ, आप ही लोग के लिए तो फ्री में दे रहे हैं बताओ। सुधा यादव जी का कहना है, सर मेरा मेरे साइंस और मैथ में बैक हैं, साइंस और मैथ में बैक हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई करो फिर से। सुधा यादव जी, सर मेरा साइंस में मेरा फिर से बैक लग गया है, लगा दिया है, मेरा पेपर अच्छा हुआ था, 3 नंबर का छूटा था, सर मैं क्या करूँ? कुछ ना करो, क्योंकि कापियाँ, हो सकता है कोई मिस्टेक तो ज़रूर हुआ होगा आपसे। कापियाँ किस प्रकार से चेक होती हैं प्रशिक्षु हमको पता है, और लक बाई लक जो अच्छे प्रशिक्षु होते हैं अगर फेल हो जाते हैं ना तो दिल को बहुत दुख होता है यार, आप नहीं समझ सकते, हमें पता है बहुत प्रशिक्षु रो रहे होंगे। एक प्रशिक्षु तो कॉल की थी, बोले सर हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हम रो रहे हैं, है ना। आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि बहुत प्रशिक्षु लिख रहे हैं कि सर हम रोते हुए लिख रहे हैं ना कि नहीं, लिख रहे होंगे कि हम रो रहे हैं सर आपकी वीडियो देखते हुए। भाई होता है लाइफ में दिक्कतें आती हैं लेकिन कुछ सेकंड के लिए होती हैं। देखिए लाइफ में जो खुशियाँ होती हैं मात्र 4 दिन के लिए आती हैं, कोई खुशी 4 दिन के बाद वो खुशी पुरानी हो जाती है, उसकी खुशी का मतलब जो माहौल बनता है 2-3 दिन में उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो दुख होता है ना वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं दुख जो है ना आदमी का साथी होता है लेकिन सुख साथी नहीं होता, साथी सुख भूल जाता है भाई, लेकिन दुख लगता है, अरे अभी तो सुख शुरू हुआ था तब दुख कैसे आ गया, समझ रहे हो ना। दुख ही साथी होता है, और दुख साथी है तो उसी को अपना बना लो भाई, रह लो उसी के साथ, बहुत आनंद आएगा भाई, बताया ना कष्ट में जीने का ना बहुत ही आनंद आता है। कष्ट में जियो, किसी की यादें में जियो, तड़प तड़प के जियो, बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत बहुत, समझ रहे हो ना। बना लो अपने किताबों को अपना साथी, सब कुछ बना लो उसी को। सुधा यादव जी बता दिया गया भैया। सुरेश कुमार ओझा, सर मैं क्या करूँ, मेरा फिर से बैक लग गया, क्या करूँ सब, अब तो मैं अपने आप को, अरे ये देखो सुसाइड करने की बात, अरे यार तुम पगला गए हो कहा कि क्या नाम इनका, शेष कुमार ओझा, पीट दिए जाओगे, इतने लोग हैं ना सब एक एक थप्पड़ मारेंगे अभी आके, शेष ओझा जी अगर ऐसा दिमाग में ख्याल आए ना तो हम आ जाएंगे घर पे, बच्चा नंबर दे देना हमको अपना, आ जाएंगे घर पे और वहीं पे आके एक थप्पड़ मारेंगे आपको, समझ में आ जाएगा। और जो प्रशिक्षु अभी यह सोच रहे हैं कि पेरेंट्स को बताएं कि ना बताएं बैक लगाए ना, वो बता दें प्लीज़, अपना जो अंदर की कचोट है ना उसको शेयर करें प्लीज़, जिससे कि आपका दिन हल्का होगा, भले से थोड़ी सी डांट सुन लेना लेकिन हल्का तो हो जाएगा मन कि हमने घर वालों को बता दिया। और घर वालों को सपोर्ट करें भैया, वो घर वाले अगर कोई किसी का माता पिता अगर देखते हैं वीडियो को तो उसको सपोर्ट करें अपने बच्चों को, बस सपोर्ट करना चाहिए भाई, नहीं तो बच्चों के साथ कुछ गलत होता है ना तो उससे ज़्यादा उनको हानि भी देखने को मिल जाएगी, उनको सपोर्ट करिए। आपको इसी समय आपका जो इसी समय बच्चों की ज़रूरी है कि आप उनके साथ रहो, आपका इस समय बहुत आवश्यकता है बच्चों को, ठीक है ना। और ओझा जी हम आपका कमेंट अच्छा स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, बाद में देखते हैं इस कमेंट को, रुक जाओ तो आपको भैया हम बता रहे हैं, रुक जाना, काहे घबरा रहे हो तुम, तुमको लगता क्या है हैं, हम तुमको इसी तरह छोड़ देंगे, तुमसे बात करते करेंगे हम, ठीक है। सविता कुमारी जी, सर अगर 2 सेमेस्टर में बैक है तो क्या टेट वैलिड होगा, अगर 2nd सेमेस्टर में बैक है तो टेट वैलिड नहीं होगा भाई, याद रखना। प्रियंका गौड़ जी, सर आपका नंबर मिलेगा, जी नंबर तो नहीं मिलेगा, क्या बात है बता देना। आगे रणविजय कुमार, नंबर नहीं बचा, अगर कोई बात हो कोई खास बात हो तो ऐसी बात नहीं, नंबर मिल सकता, हमारे से पार्टी का नंबर मिल सकता है, हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है, आप उससे आगे जुड़कर बातें कर लो, लेकिन पर्सनल नंबर में पता है ना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, एक लोग को देंगे ना तो सारे प्रश्न जुड़ जाएंगे उसको लेने, और सारे प्रश्नों को हमें से ऐसी बात नहीं, हम आपकी इसी वजह से तो कमेंट लेते हैं, सामने सामने बात होती है, रोज़ तो करते हैं बात, बताओ क्या प्रॉब्लम, आप शेयर करो ना, हम उसका जवाब इसी जगह देंगे, इसी प्लेटफॉर्म में देंगे, जिससे कि आपके साथ साथ और प्रशिक्षु सीखें। रणविजय कुमार करके हैं, मैं खुशबू, मेरा इंग्लिश और मैथ में बैक है लगा है, सर मैं क्या करूं इंग्लिश, भैया आप अच्छे से फिर से तैयारी करो। काजल कुमारी जी, सर सभी क्वेश्चन का आंसर सही था, मैथ का पेपर फिर भी फेल कर दिया। भैया मैं मैथ के पेपर में सारे प्रश्न सही थे तो कैसे फेल कर सकता हूँ, कदापि नहीं कर सकता, ज़रूर आपका कहीं मिस्टेक हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है तो आप कापी निकलवा लो उनसे कहेंगे, अगर सारे प्रश्न सही थे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो हम आपके साथ लड़ेंगे पक्का लड़ेंगे, बस आप कापी निकलवा लो, नंबर ले लेना हमारा व्हाट्सअप का वहाँ से, और बात कर लेंगे, आपके साथ चलेंगे जहाँ कहोगे वहाँ, और याद रखना हम आपको लेके चलेंगे, कापियाँ भी निकलवाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वहाँ पे जाने के बाद अगर आपकी कापियों में फेल आ गया ना तो आपके साथ साथ मेरे खुद का बदनामी होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम आपके लिए लड़ने जाएंगे वहाँ पे। अगला देखना, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करती, भैया देखो बहुत सारे प्रश्न ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आपको लगता है ना, क्योंकि आप उस मोड़ पे खड़े हुए हो, आप अभी तैयारी करो प्लीज़, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करो। अनुभव कजला, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा होना, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमने बताया था प्रमोट होना निश्चित है, और याद रखना साथी जो प्रशिक्षु इसका काट कर रहे हैं, कटाच कर रहे हैं,
वो बाद में ही इसका संग करेंगे, देख लेना। पेपर नहीं आया था, मतलब रिजल्ट नहीं आया था ना, सब लोग कह रहे थे अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, पेपर एक तारीख से पहले आएगा ही नहीं, एक तारीख से पहले नहीं आएगा बोल रहे थे। भैया आया ना पेपर, आया ना रिजल्ट, तो क्यों यार तुम लोग कटाक्ष करते हो? जब बातें क्लियर होती हैं ना, जो बातें सत्य होती हैं आगे जाकर, मतलब पता है कहानी क्यों बनती है? वो पहले से घटित हुई होती है तब कहानी बनती है। लेकिन नाटक क्यों बनता है? नाटक क्या होता है? नाटक का मतलब आगे होता है, नाटक स्वच्छ मतलब सामने होता है नाटक। बोलते नाटक मत करो, मतलब नाटक की आपके सामने हो रही है ना, तब कहते हो नाटक मत करो। एक प्रकार से नाटक ही है समझो, यह सामने घटित होगा, सामने घटित होना तय है। यह आपका प्रमोट होना है, आप फोर्थ सेमेस्टर का ही पेपर दोगे। भाई कैसे नहीं दोगे, आप भी तो आखिर सेकंड सेमेस्टर के साथ ही थे, थर्ड सेमेस्टर वाले प्रमोट हुए, थर्ड सेमेस्टर का पेपर उनका भी होना चाहिए था जो प्रमोट होकर फ्रेश प्रशिक्षु हैं, तब तो आप पास हुए हो तो आपको भी प्रमोट करेगा, करेगा क्यों नहीं। थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो बोल रहे होगा ना, शायद ही हो, शायद मतलब आवाज़ उठनी चाहिए, जड़ से बोले साथियों, आप आवाज़ उठाओ। अगर 1% भी इसमें है कोई गलती है, गलतफहमी है 1% भी कि पेपर होगा, तो आपकी आवाज़ में कमी है, आपका संगठन नहीं अच्छा है। फिर संगठन में शक्ति होती है, जो सुबह वीडियो आए तो उसको 1,00,000 व्यूज पहुंचाओ, फिर देखना बवाल मचाते हैं ऐसा ना, धुआं धुआं मजा आ जाएगा। अंजलि सोनी जी, सर स्क्रूटनी फॉर्म में भी जो पास क्या पैसे देते थे, पैसे देता है उसका नंबर बढ़ता है सबका नहीं? भैया देखो स्क्रूटनी बिल्कुल सही बोल रही है, और बहुत सारे प्रशिक्षु स्क्रूटनी में भी पैसे देते हैं, देते हैं भाई। मान्य देखो, मानो या ना मानो, हर जगह दलाली होती है। क्या अच्छे अच्छे लेवल पे दलाली नहीं होती? आप कोई एग्जाम उठा के देख लो, फ्रेश होता हो उठा के देख लो, सुपर टेट तक यार पैसे देते हैं लोग, सेटलमेंट होता है ना, समझ रहे हो ना। अरे 145 नंबर कैसे आ जाएगा भाई 150 में किसी का, 140 नंबर कैसे आ जाएगा? आप सोचो कितना टैलेंट है यार उसके अंदर, हम तो यही नहीं समझ पा रहे कितना टैलेंट है। 145 से 140 नंबर ला लेगा 150 में, मतलब कि कुछ हद होती है, कोई सीमा होती है। लेकिन नरक की है भाई, क्या बताया जाए, हमारी सिस्टम ही नरक है पहली बात है। गुल परवीन जी, हमें लोग क्या का क्या, हम लोग का क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, आप लोग फिर से मेहनत करो। गुल परवीन, हमें हम लोग का क्या होगा, पास हो गई हूँ है, पैसे दिए हैं, पास होने वाले पैसे दिए हैं भाई, हो सकता है दिए हों और दिए भी हैं, हो सकता है क्या दिए हैं लोग, बहुत सारे लोग। अब ऐसी बात नहीं जो 23 नंबर लाया वो पैसा दिया होगा, नहीं, बस पास होने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं पास हुए हैं बिना पैसे की, ऐसी बात नहीं है। कुछ जिनका सोर्स था, अच्छी से पकड़ था, उन्होंने दिया है, बस सारे प्रश्न थोड़े दिए भाई, सारे इतने अमीर नहीं हैं हम एक फैमिली हमारी जो है बहुत गरीब फैमिली है, ठीक है ना, तो हम लोग समझ रहे हो बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला देखना, अंजलि नोटियाल जी, सर लाइफ ख़राब करी? नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, आगे तैयारी करो। कौन है भाई? भागीरथी सिंह, 2019 बैक सेमेस्टर में थर्ड में फेल हूँ, क्या करूँ सर? आप तैयारी करो, 2019 थर्ड सेमेस्टर बैक सेमेस्टर में थर्ड में तीन में फेल हो गए भाई, अरे यार तब तो आपका सेमेस्टर बैक लग जाना चाहिए। अभिषेक यादव जी, फोर्थ का पेपर जल्द से जल्द हो, कराइए। कराइए क्या, आवाज़ उठाओ पहले तुम लोग, भैया आप लोग प्रशिक्षु महान अनुभव, आप लोग आवाज़ उठाओ प्लीज़, आवाज़ उठाओगे तभी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, बस 5 मिनट और, 5 से 10 मिनट में ये आपका बताने लगे। जितने प्रशिक्षु का नहीं ले लिया गया कमेंट, वो कमेंट जरूर से एक बार कर देंगे फिर से, है ना। अच्छा आ गया क्या, रुक जाना, तो कहाँ चला गया, सारा कमेंट ख़त्म? अच्छा एक मिनट रुक जाना, तो हो गया क्या, अभी इतने लिए थे? अच्छा नहीं नहीं अभी है, बहुत सारा है क्या, अभी किसका है भाई, कहाँ तक हुआ था? हाँ प्रिया जी हैं, अभी बहुत सारे हैं, रुक जाओ एक मिनट, फटाफट लेते हैं कमेंट सबका, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था, ऊपर चला गया ना, हाँ यहाँ तक, सेकंड ईयर, अच्छा ये हो गया था, ये भी हो गया है। हाँ आंचल लाल जी, देखिए कौन है भाई, अच्छे लाल जी, कॉमन नंबर मिलना चाहिए मैथ में, कैसे मिलेगा कॉमन नंबर? आवाज़ उठाने गए थे वहाँ पे? नहीं गए थे तो कैसे कॉमन नंबर मिल जाएगा? अब कॉमन नंबर क्यों देगा वो, उसके पास तो खुद सबूत है कि हमारे प्रशिक्षु 23 नंबर पाए हैं, 24 नंबर पाए हैं, 19 नंबर पाए हैं, 18 नंबर पाए हैं, कॉमन नंबर किस आधार पर दें? जब पेपर हार्ड आता है तभी कॉमन नंबर मिलता है, पता है कि नहीं? कॉमन नंबर का मतलब जब पेपर बहुत ही हार्ड आ गया या फिर बहुत सारे प्रश्नों का पेपर छूट गया था, इस वजह से भी हम तो कहेंगे ना उसको पास कर देना चाहिए था यार मैथ में सबको, या फिर बैक प्रश्नों को कम से कम नहीं सताना चाहिए उसे, लेकिन क्या करें, पीएनपी का दिल पत्थर का है भाई, है ना, उसको मोहब्बत करना नहीं आता है, मोहब्बत करना सिखाना है उसे। सीएम सिंह भाई, सीएम आ गए हमारे यहाँ पे, देख लो सर हम लोग यूपीटेट देंगे तो मान्य होगा क्या? बिल्कुल मान्य होगा, लेकिन बैक लगाए तो नहीं मान लोगा भाई, बस दे लोगे बैठ कर यह हो जाएगा, बट दे सकते हो पेपर, ऐसी बात नहीं है, देना जाकर वहाँ पे कॉलेज से कोई नोटिस वगैरह ले लेना अपना, बनवा लेना,
वहाँ पे जहाँ फेल लिखा है वहाँ पर पास पास करवा लेना, मतलब कि एक तरह से फर्जी बनवा लेना, हो जाएगा। कॉलेज वाले कर देते हैं पेपर देने के लिए, और कर देते हैं भाई, हम भी किए हैं एक बार, ऐसा बहता ही है, आप करवा लो, हो जाएगा। और फेल प्रशिक्षु नहीं दे सकते भाई, यूपीटेट मान्य ही नहीं है, अगर लेकर जाएंगे ना भगा देगा वो पहले ही। आगे देखो भाई, 17 नंबर किए थे फिर भी बैक, अरे और 17 नंबर करके आए थे, सही किए थे सब, तो कैसे बैक लगा देगा भाई, सही करो। प्रिंसी गौतम सर, मैं पासिंग मार्क्स से ऊपर करके आती हूँ फिर भी फेल। पासिंग मार्क्स से सिर्फ ऊपर क्यों करके आती हो बता दो पहले में। पीएनपी जानती हो आपकी संस्था जो है डीएलएड है ना, डायट डीएलएड जो है वह बहुत ही ख़राब संस्था है, हम तो यही कहेंगे। आज का रिजल्ट आपका देख कर उस दिन का भैया दिल बिल्कुल खिन्न भर गया, बता रहे हैं ना यार, 28% 81,000 कापी में से सिर्फ तुम 28,000 कापियाँ 28,000 बच्चों को पास कर रहे हो, 28-30,000 बच्चों को, ये कोई मतलब थोड़े निकलता है भाई। 81,000 का अगर आप 28% निकालोगे, अगर 100 कापियाँ हैं 100 का 28 निकालोगे 28 आएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मान लो 28,000, मतलब 35-30,000 के आसपास में बच्चों को पास किया है, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आता है, है क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, सब बेकार है, संस्था ही बेकार है ये, मतलब कि एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम से नहीं चलते हैं लोग। इन लोग को एक नंबर दो नंबर से फेल करने से क्या मिल जाता है, पैसे मिलते होंगे और मिलता भी है पैसे, एक नंबर दो नंबर से इनको लगता है कि हम बच्चों को फेल करेंगे तो बच्चे स्कूटी में फॉर्म डालेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, पैसे कलेक्ट होंगे। भाई इसी से तुम्हारी भारत को चलाना है क्या, इसी से देना है बजट, बजट बनाना है इसी से, अब क्या बताएं, मन में तो बहुत कुछ निकल रहा है गालियाँ, लेकिन हमारी थोड़ी सी हेल्थ भी इसमें ख़राब चल रही है, और ख़राब क्या, आज शाम को थोड़ी सी दिक्कत हो गया मुझे, अन्यथा हम हर वक्त एनर्जीवान होते हैं। अभी तो आपका क्लास चलेगा CDP का, इसके बाद ही देखना कितनी एनर्जी कितनी जोश से लेंगे सारे क्लासेस, बस खाना खाएंगे भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद आपका क्लास लेंगे भाई। इसके बाद कौन है भाई, हाँ आर के जी सर जो लिखे थे उसका भी तो नंबर नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए, ये तो हम आपके लिए बिल्कुल आपके तरफ से हैं ये चीज़ें। रागनी सिंधे सर, हम 14 नंबर का करके आए थे लेकिन 9 नंबर ही मिला मैथ में, क्यों ऐसा हुआ, आप खुद समझ सकते हो, आपने खुद हो सकता है गलत कटपिट किया हो, कटपिट, क्योंकि हमको स्वच्छ कापी चाहिए, ये PNP कहती है। रागनी सिंधे सर हम हो गया भाई आपका। सिप्रा सिंह सर, मैथ में बैक लग गया है, टेट के लिए क्या वैलिड है, नहीं है भैया, 15 नंबर एकदम सही किए थे लेकिन फिर भी बैक लग गया, वैलिड नहीं है भाई। अगला पूनम वेदव्यास जी सर, हम भी 13 नंबर क्लियर करके आए थे लेकिन 8 नंबर ही आया है, फिर बैक लग गया, तो आप भी वैलिड नहीं हो, अगर किसी का जुगाड़ न रहा तो वो फेल होगा, फेल हो जाएगा भैया, ऐसी बात नहीं है किसी का जुगाड़ नहीं होगा तो फेल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं भैया। संजू यादव जी, पूजा यादव नहीं सर पेपर हार्ड था, कैसे कहले पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड था या नहीं था ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से पढ़ाई करके जाते हो, यह नहीं कहा जा सकता पेपर को देखकर या फिर नंबर को देखकर पेपर हार्ड था, नंबर को देख के नहीं कहा, सबके लिए था ना, और प्रशिक्षु पास हुए हैं पूजा जी, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ पे सत्य बातें बताइए, सत्य वचन ही कड़ुए होते हैं, याद रखना। हम लोग टेट देंगे कि नहीं, नहीं दे पाओगे जिनका बैक है भाई। पूजा यादव जी सर, अब हम लोग भाई बता दो दिया, जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, जिंदगी आबाद होना स्टार्ट हो गया, ठोकर लग गया ना, देखना आप मज़े से जियोगे, लगेगा ठोकर कि अब पढ़ाई करना पड़ेगा मुझे, अब लगेगा तो बहुत सही है। सिप्रा सिंह जी सर, मैथ में फिर से बता तो दिए बच्चा। साक्षी फजाल हम क्या लिखे, अहमद मैं 18 से अब अगर BTC से भरा हूँ फॉर्म, भाई देखो आत्महत्या कर लूँगी, ए भाई तुम गजब दिमाग के हो, तुम्हारा कमेंट लेते हैं बच्चा, रुक जाओ बताते हैं तुमको अभी, हम तुम्हारा कमेंट लेते हैं बच्चा, रुक जाओ तुम्हारा स्क्रीनशॉट लें पहले, तो बता रहे हैं तुमको अभी, दो लोग मिले आत्महत्या वाले। और कौन है, शिवांजलि भारद्वाज जी, जिनकी ओनली एक सब्जेक्ट में बैक है क्या प्रमोशन होगा, नहीं पास होने के बाद ही होगा, 2018 सेकंड, भैया वैसे तो अभी हो ही नहीं रहा फ्रेश जो पास हो गए, और बैक वालों को कहाँ से होगा, खाक अभी नहीं, कोई अभी सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम अभी जवाब नहीं दिए इसके लिए। नीलम सिंह जी 2018 सेकंड सेमेस्टर फिर से मैथ में बैक है, 3 नंबर मिला उनका क्या होगा, भैया फेल हैं, 3 नंबर मिला है फिर से बैक हैं और उनका क्या होगा, तैयारी करें फिर से उनका ईयर बर्बाद होगा, यही सब होगा, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, मस्ती की होगी। सर अभी PNP चलना चाहिए भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता अभी अभी, क्योंकि अभी आप जाओ अभी अभी रिजल्ट आया ताज़ा, अब कापियाँ चेक होंगी 4th सेमेस्टर का, तो उधर भी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो, अभी हड़ताल हड़ताल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाते रहो आप लोग, संगठन दिखना चाहिए, जैसे कापियाँ चेक हो जाएँ मीड तक चली जाएँ चेक होते होते, तैसे हमको हल्ला बोल देना है, याद रखना जब तक 1-2 लाख व्यूज नहीं जाएगा तब तक हम संगठन की आवाज़ नहीं उठाएंगे साथियों, क्योंकि हमें भी आदमी चाहिए। अब ऐसा ही बात नहीं है कि अब हम बुलाएं 10,000 को आएं केवल 10, इस वजह से बोलते हैं 1 लाख रहेगा तो कम से कम उसमें 1,000 तो आएंगे, शेयर करो दबा के न्यू यूट्यूब, यह मत सोचा करो कि शेयर कर देंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे, भूआ फूफा काका काकी जो सबके पास शेयर करो।
न्यू यूट्यूबर हूँ भैया, न्यू यूट्यूबर हो आप, सर जिनकी बैक लग गई है क्या करेंगे, वो स्वतंत्र है भैया, पढ़ाई करें। पूजा मलिक जी, क्या सर अब हमारे हमें बैक एग्ज़ाम 3 और 4 सेम का एग्ज़ाम भी देना होगा? देखिए जो बैक जिनका लगा है वो थर्ड का हुआ, अभी तो कुछ निकाल सकता, हो सकता है उनका फोर्थ के साथ थर्ड का, पता है अगर हो सकता है वो पास कर ले तो थर्ड का प्रमोट हो जाना चाहिए उनको ऐसे, क्योंकि थर्ड सबका प्रमोट हुआ है तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन बैक ही लगा है ना, फिर से बैक लगा है, हो सकता है पास हो तब हो, या फिर हो सकता है आपका फोर्थ सेमेस्टर कराए बैक बाद में कराए, यह होगा। जीतू श्रीवास्तव, प्लीज़ सर मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे भाई सर, फ्रेश के अलावा सेकेंड बार 2 बार बैक लग गई है, क्या मुझे थर्ड बार भी मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 3 बार मौका मिलता है आदमी को, 3 बार आपको मिलेगा, इसके बाद बैक लगा तो सेमेस्टर मतलब ईयर ख़त्म आपका, यह मार्कशीट ही रद्द हो जाएगी। अगला है अनामता, फिर बैक लग गया सर, प्लीज़ कुछ करिए, क्या करें भाई बता दो, कर तो ही रहे हैं, आवाज़ तो उठा रहे हैं, क्या करें, आपके लिए दौड़ा भागी तो हो ही रहा है। स्नेहा भास्कर, पीएनपी आयोग को कॉमन नंबर नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। सानू अंसारी जी, थर्ड बैक पीएनपी आने पर क्या करें? तीसरी बार बैक आ गया तो आपका ख़त्म कहानी भाई, है ना, आप फिर से डीएलएड करो। अनामता, सर हेल्प करिए भाई, देखो ऑप्शन सी ठीक है भाई, प्रमोट के लिए ठीक है, देखो सबका कॉमन ही है, अब सबका कॉमन ही है, सभी लोग समझ गए होंगे सबका कॉमन है। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं, सबका कॉमन है। रियू राजपूत, आर्यू राजपूत जी, सर बैक लग गई है क्या करें, बताने वाले हैं। और कौन है भाई, तरुण शर्मा जी कमेंट आ रहा है, अर्चना यादव जी ठीक है भाई, रेनू दुबे जी आपका भी वही चीज़ें वैलिड होंगे बैक के पेपर की नहीं होगा, क्लियर है, प्लीज़ टेल मी सर, सुपर टेट में वैलिड होंगे कि नहीं, अगर बैक पेपर क्लियर है प्लीज़ टेल मी सर, बैक पेपर अगर क्लियर है तो भैया सम्मिलित हो सकोगे, हो गए क्यों नहीं हो गए, बैक क्लियर है ये तो चाहता है, फिर भी बैक वाले क्लियर होकर आए सुपर टेट में बैठे हैं। देखो अब हम एक एक मुद्दे पर बात करते हैं, यहाँ पर जो बच्चे लास्ट तक बने हैं ठीक है, अन्यथा आप शेयर करो फटाफट। 2017-18 के प्रशिक्षु का बैक आने पर वो यूपी टेट मान्य होंगे? बैक आने पर, बैक अगर उनका क्लियर हो जाता है फर्स्ट सेकंड सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर 2017-18 की बात हो रही है तो उनका यूपी टेट मान्य है, अन्यथा लग गया फिर से बैक तो मान्य नहीं है। अगला, फोर्थ सेम कब होगा? फोर्थ सेम बहुत जल्द होगा, याद रखना थोड़ी सी लेट हो तभी अच्छा है, क्योंकि अभी आप तो तैयार ही नहीं हुए हो, समझ रहे हो ना, जैसे ही आपकी कॉपी है फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ 2019 बैच की परीक्षाओं का चेक हो जाए तैसे ही अभी से आप आवाज़ उठाना शुरू कर दो, बहुत जल्द होना चाहिए आपका पेपर, अन्यथा शिक्षक भर्ती से बाहर आना। प्रमोट होगा कि नहीं होगा, हमने बताया था सुबह वाला वीडियो, जो बच्चा देखा होगा वो समझ गया होगा प्रमोट होगा कि नहीं होगा। थर्ड सेमेस्टर जब आपका प्रमोट नहीं हुआ था तब भी यही कहा जा रहा था पीएनपी द्वारा प्रमोट नहीं होगा, लेकिन हुआ ना, कैसे हुआ, हम लोग का जो संगठन है उसके द्वारा हुआ, शक्ति, आत्मबल की शक्ति, एकजुटता की शक्ति, यही शक्ति अब भी दिखाइएगा, वीडियो शेयर करो, इतना तो शेयर करो कम से कम 5,000, 10,000, 10,00,000, 5,00,000, 6,00,000 ऐसे भी हो जाए यार, क्यों नहीं शेयर करते। रिजल्ट देखें, अब रिजल्ट के पहले यूपी टेट का फॉर्म भरने वाले का मान्य होगा, बिल्कुल मान्य है, अगर आपका रिजल्ट फ्रेश आया है तो मान्य मिल जाएगा भैया। आगे सुपर क्या लिखा है, स्कूटनी कॉपी, स्कूटनी का फॉर्म भरे कि न भरे, जिनका एक नंबर में बैक है सिर्फ वही डालेगा, अन्यथा बच्चा नहीं डालेगा, कॉपी मत निकलवाइएगा, अन्यथा आप बैक का पेपर दे लोगे उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन कॉपी निकलवाने के बाद रिजल्ट बहुत मशक्कत के बाद चढ़ता है भाई, ये झेल चुके हैं हम लोग। स्कूटनी के बाद पास हो जाने के बाद हम प्रमोट होंगे, बिल्कुल हो सकते हो, जब और प्रशिक्षु प्रमोट हो जाएंगे तो आपको भी प्रमोट किया जाएगा स्कूटनी के डालने के बाद भाई, ये सभी प्रशिक्षु के कमेंट हैं, कॉमन है। 1 और 2 नंबर से बैक वाले प्रशिक्षु क्या करें? 1 और 2 नंबर से बैक प्रशिक्षु सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए अपने अगले सेम की भी तैयारी करें, उनके सामने जो सेम है जैसे कि बैक लगा है तो थर्ड सेम प्लस फोर्थ सेम सब पढ़ें, तभी जाके हो सकता है थर्ड सेम करा दे तो आपका, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, जिनका बैक लग गया है तो जिसका सेमेस्टर बैक है तो गया काम से। पास प्रशिक्षु थर्ड सेम का करें तैयारी कि फोर्थ सेम का करें? पास प्रशिक्षु जो पास हो गए हैं 2019 बैच के वो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें, लिख के ले लो फोर्थ सेमेस्टर की सिर्फ तैयारी करो, और साथ में आपका यूपी टेट भी तैयार होना चाहिए, यूपी टेट की तैयारी करिए, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करोगे यूपी टेट का आधा तैयारी हो जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अब हम लोग सीडीपी के क्लास में, इसके बाद जस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप शेयर कर देना, सभी प्रश्न शेयर करना, जिनका भी कमेंट होगा वो ऑफलाइन कमेंट करेगा ऑफलाइन, तो कल उसका आंसर दिया जाएगा भैया, कट कर देना ठीक है। चलिए धन्यवाद।